हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर गहरा मंथन चल रहा है। बीते कल ही दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया कि बैठक में हरियाणा की 49 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई है, जिसमें से 34 उम्मीदवारों पर फैसला हो चुका है। अन्य 15 सीटों पर उम्मीदवारों को समीक्षा के लिए भेजा गया है। बावरिया ने जानकारी दी कि 34 में से 22 मौजूदा विधायक हैं जिन्हें टिकट मिल रही है। बता दें कि दिल्ली में आज शाम भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 41 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जानी है।